बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेयर मॉडल स्कूल क्लास 2 लेक्चर नंबर 16 लेक्चर 17 पेज 20 एक्सरसाइज नंबर 8 है फॉर्म अ नंबर विद। अब देखिए आपके पास यहाँ पे गिवन है 4 इन 10th प्लेस, 8 इन 1 प्लेस, 3 इन 100 प्लेस। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए आपके पास ये हाउस बना हुआ है, 1 का हाउस बना है, 10 का हाउस बना है एंड 100 का हाउस बना है, ठीक है। इसके नीचे आपकी बुक में ये स्पेस खाली है। अब देखिए 4 इन द टेंथ प्लेस का मतलब है कि जो 4 है उसको आपने टेंथ के हाउस में लिखना है, उसको आपने टेंथ के प्लेस में लिखना है। 8 इन द 1 प्लेस, ये 8 है, ये 8 आपने कौन से में लिखा? 1 के नीचे लिखा। एंड 3 इन द 100 प्लेस, और ये 100 के हाउस में, 100 की प्लेस में 3 लिखा, 348। अब नंबर 2 में आए 5 इन द 1 प्लेस, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर आके देखेंगे 1 कहाँ है, 1 को फाइंड करेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे? 5। 8 इन द 10th प्लेस, अब आप 8 के लिए 10 को देखेंगे, 10 का है, उधर 8 लिखेंगे। 3 इन द 100th प्लेस, 3 इन द 100th प्लेस। अब नेक्स्ट देखिए सेम, 6 इन द 10th प्लेस, 6 को मैंने लिखना है 10th में। 8 इन द 100th प्लेस, 8 को मैंने लिखना है 100th में। एंड 3 इन द 1th प्लेस, 3 इन द 1th प्लेस। यहाँ पे आपने 1, 10, 100 लिखा हुआ है और आप वहां से रीड करके इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। 1 in the 10th place, 10th place, 1, 8 in the 1st place, 8 in the 1st place, and 3 in the 100th place, 3 in the 100th place. That is the required assignment, exercise number 8. Write it on your book, page number 20. Here, okay, thank you.